नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लीन साइंस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे और आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है और आगे चल के कितना बड़ा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। कंप्लीटली इस वीडियो में हम क्लीन साइंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा जो कि कौन सा एक लेवल पर सही एक स्टॉक में कैसे पोजीशन बनाते हैं और कौन से टारगेट तक लेके चलते हैं, कंप्लीटली यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विद इंटरेस्टिंग टाइम। अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, किसी भी स्टॉक में अगर हम पोजीशन बनाने के बारे में सोचते हैं तो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। तो इसी हिसाब से अगर हम कंपनी के बारे में बात करेंगे तो 14,200 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। उसी के साथ में अगर हम आरओसी के बारे में बात करेंगे तो 44% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसके साथ में अगर हम बात करेंगे बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। उसी के साथ में अगर हम स्टॉक का लाइफ टाइम हाई की अगर हम बात करेंगे तो 2700 यहाँ पे स्टॉक का लाइफ टाइम है। ये स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 1350 पे, एक 50% डिस्काउंट पे अभी आपको यहाँ पे स्टॉक मिल रहा है। उसी के साथ में अगर आप कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करेंगे तो 33% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है। उसी के साथ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड, यहाँ पे स्टॉक भी कंपनी डिविडेंड भी देता है जो कि 0.37% का। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी इसी हिसाब से स्टॉक का लाइफ टाइम हाई से 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और जब से यहाँ पे लिस्टिंग हुआ है अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग से नीचे भी स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे नीचे आ चुका है। क्या कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है? इस चीज़ को अगर हम देखने के लिए कंपनी का नेट प्रॉफिट एंड सेल्स के बारे में अगर बात करेंगे, 217 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है। उसी के साथ में जब हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, 81 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है जो कि मार्च के क्वार्टर में। तो यहाँ पे मार्च टू मार्च अगर कंपेयर करते हैं तो 62 करोड़ से 81 करोड़ हो चुका है, जो कि बहुत बढ़िया से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। उसी के साथ में जब हम लास्ट 4 क्वार्टर में देखते हैं तो 295 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। उसी के साथ में जब हम सेल्स के बारे में बात करेंगे तो 936 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है। कंपनी का सेल्स में एक बहुत बढ़िया सा ग्रोथ नजर आया है। अगर आप देखेंगे 2018 में 241 करोड़ का कंपनी का सेल्स था, उसके बाद में 393 हुआ, उसके बाद में 419 हुआ, उसके बाद में 512 हुआ, उसके बाद में 685 है, उसके बाद में यहाँ पे 936। उसी हिसाब से अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पे 140 था, उसके बाद में 198 हुआ, उसके बाद में 228 हुआ, उसके बाद में यहाँ पे 235 देखने को मिला है। उसी के साथ में कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है तो यहाँ पे 999 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व देखने को मिलता है। उसके साथ में बोरोइंग यहाँ पे ओनली 200 करोड़ का कंपनी के पास में बोरोइंग है। लेकिन उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का CWIP भी 20 करोड़ का देखने को मिलता है। उसके साथ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी 353 करोड़ का देखने को मिलता है जो कि बहुत बढ़िया है। उसी के साथ में प्रमोटर होल्डिंग के बारे में अगर बात करेंगे, 78.5% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। एज पर सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे IPO आने के बाद में विद इन 3 ईयर्स में यहाँ पे प्रमोटर को 75% का यहाँ पे होल्डिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रमोटर आगे चल के यहाँ पे स्टेक सेल करने वाले हैं जो कि 3.5% तक सेल कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे FII के बारे में, 3.99% का FII के पास में होल्डिंग है। उसके साथ में DII के पास में यहाँ पे 4.76% का होल्डिंग है। अगर पब्लिक के बारे में बात करेंगे, 12.74% का रिटेल पब्लिक के पास में होल्डिंग है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रेल डाउन करके देखते हैं जो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कितना परसेंट का होल्डिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जब यहाँ पे हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न में जाएंगे तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इससे पहले आज के दिन का ट्रेडिंग सेशन का देखते हैं, आज के दिन में किस हिसाब से डिलीवरी उठाया गया है। जब हम आज के दिन में देखते हैं तो 235,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है और डिलीवरी जो उठाया गया है तो यहाँ पे 136,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि 58% का यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि बहुत बेहतरीन डिलीवरी आज के दिन में देखने को मिला है। उसी के साथ में जब हम इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं जी, बिल्कुल यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो पब्लिक के पास में यहाँ पे 12% का ही होल्डिंग है, लेकिन अगर हम आज के दिन में देखेंगे तो यहाँ पे 58% का होल्डिंग है। उसी के साथ में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जब निश्चय आज के दिन में देखते हैं तो आज के दिन में यहाँ पे जो सपोर्ट था ना, एक ही बड़ा सपोर्ट जोन था, तो ये सपोर्ट जोन को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो कौन सा सपोर्ट जोन था इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये एक अच्छा से एक सपोर्ट जोन था ये लेवल, ठीक है। तो ये लेवल को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा सा लेवल था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे काफ़ी दिन तक सेम लाइन पे कैंडल था, तो यहाँ पे भी एक बार आके सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी एक इंट्राडे के बेसिस पे यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हो रहा है।
इस चीज को पैनिक को अगर हम देखने जाएंगे तो आज भी जो इस लेवल पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है इसको भी आप बोल सकते हैं एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इससे पहले ऑलरेडी एक बार यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, तो मतलब ये भी एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। लेकिन इसके बाद में स्टॉक में अगर गिरावट होता है तो यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन बन सकता है जो कि 1239 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे जरूर आपको इंट्राडे के बेसिस क्लोजिंग बेसिस पे आपको जरूर इंतजार करना चाहिए अगर आप यहाँ पे कंजर्वेटिव मोड में बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1239 का लेवल किसी भी टाइम पे यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है, लेकिन मैं आपको अभी से एक्युमुलेट करने के लिए मुझे सही लगता है इस लेवल पे जरूर आप एक्युमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक सही लेवल पे स्टॉक आ चुका है। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इसी लेवल से लेके स्टॉक में अगर हम करेक्शन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से लेके आप देखिए अराउंड एक 7% का अभी एक गिरावट बचा हुआ है, ठीक है। तो इस लेवल पे आप जरूर यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं कंजर्वेटिव मोड में, तो यहाँ पे 1239 का लेवल को वेट कीजिए। तो उसी के साथ में अगर हम टारगेट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दो टारगेट के बारे में बताना चाहूंगा, दो टारगेट किसी हिसाब से है जरूर यहाँ पे देखिए इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दो टारगेट हमारा निकल करके आ रहा है। एक तो पहला टारगेट जो रहेगा 1533 का लेवल, ठीक है। तो इस लेवल से अगर आप पोजिशन बना के अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म गेन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा एक 15% का गेन है, ये हो सकता है किसी भी टाइम पे 3 मंथ्स में आपका ये टारगेट अचीव करा के दे सकता है। अगर आप देखेंगे इससे पहले 52 डेज में यहाँ पे 15% का गेन दिया है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक 15% का एक मूवमेंट आपको दे सकता है 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। ये एक पहला टारगेट है। उसके बाद में जब सेकंड टारगेट के बारे में बात करेंगे, मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में बिल्कुल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा अगर आप इस लेवल पे पोजीशन बना के अगर आप यहाँ पे 1900 का टारगेट तक भी लेके चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो 1900 का टारगेट है, यहाँ पे जो टारगेट है 1960 का टारगेट तक अगर आप लेके चलते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको गेन देखने को मिल सकता है। इस लेवल से लेके वो टारगेट तक अगर आप चलते हैं तो 46% का गेन देखने को मिल सकता है। ये हो सकता है किसी भी टाइम पे आपको प्रॉफिट देके चल सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 6 मंथ भी लग सकता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कंपनी अच्छा है, जरूर आप यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। अभी अगर हम RSI के बारे में बात करेंगे तो RSI का लेवल भी यहाँ पे 27 के पास में आ चुका है, ठीक है। तो इसी हिसाब से जरूर आप एक बार आपका खुद का भी एनालिसिस जरूर कर लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो ही पोजिशन बनाइए। इससे फिर मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा है, किसी भी स्टॉक में अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से तो जरूर सलाह लेना है, लेकिन उससे पहले आपको किसी भी स्टॉक में 3% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं बनाना है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। तो यहाँ पे किसी भी स्टॉक में हम 3% से ज़्यादा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ को जरूर ध्यान में रखना है और अपना पोर्टफोलियो को जरूर डाइवर्सिफिकेशन करना है। ये सारी चीज़ अगर आपको सीख के अगर आप मेरे साथ में पर्सनल कनेक्ट होना चाहते हैं जरूर आप पर्सनली कनेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे बड़ा सा अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है, यहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 3% से ज्यादा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। और अपना टारगेट तक जरूर होल्ड करके चलिए, हो सकते हैं टारगेट आपका 3 मंथ्स भी लग सकता है, ठीक है। और अगर आप ये बड़ा टारगेट के लिए लेके चल रहे हैं जो कि 46% का गेन है, तो उसके लिए अगर आप टारगेट के लिए लेके चल रहे हैं तो 1 साल का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। अगर आपको 3 मंथ्स में 6 मंथ्स में आ जाता है तो फिर बहुत बढ़िया, नहीं तो 1 साल तो बिल्कुल होल्ड करना ही चाहिए, ठीक है। और उसके साथ में अगर आप लाइफ टाइम हाई के लिए भी होल्ड करना चाहते हैं तो भी लाइफ टाइम हाई तक होल्ड करके चल सकते हैं, सीधा सीधा आपको पैसे डबल हो सकते हैं जो कि 100% का गेन है। लेकिन हो सकता है इसके लिए 2 साल भी लग सकता है, यहाँ पे कहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इस चीज़ को कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें इसी चीज़ को सीख के समझ के अगर अपना पोर्टफोलियो ग्रो करते हैं तो जरूर पैसे बनेगा। और दूसरा चीज़ है, यहाँ पे हम कोई इंट्राडे और यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक में हम पोजिशनल ट्रेडिंग करके चल रहे हैं और अपने टारगेट तक लेके चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि एक सही लेवल पे आ चुका है। जब स्टॉक मोमेंटम होता है उस टाइम पे हमें वहाँ पे अवॉइड करना होता है, जब स्टॉक में एक बड़ा कंसोलिडेशन में मिलता है, बड़ा एक अच्छा सा लेवल पे मिलता है, उस लेवल पे जरूर बाय करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।